विदिशा जिले के पठारी के अंतर्गत आने वाले ग्राम छपारा में भव्य कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जो ग्राम के श्री राम जानकी मंदिर, हनुमान मंदिर, भैरव मंदिर होते हुए गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर पठारी करेली धाम पहुंचा। कलश यात्रा में सैकड़ों वाहन, हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष बच्चे शामिल थे। भव्य शोभा यात्रा में महिला मंगल गान करते हुए चल रही थी, साथ ही युवा डीजे पर थिरक रहे थे, तो वहीं श्रद्धालु परंपरागत राम धुन भजन कीर्तन करते चले आ रहे थे। युवाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी भी की। गौर करने वाली बात यह है कि यज्ञ उस स्थान पर हो रहा है जहां कोरोना काल में चमत्कारिक पीपल का पेड़ अपने आप खड़ा हो गया था। इसके दर्शन करने पूरे प्रदेश सहित अन्य राज्यों से लोग आए थे। तब उस स्थान पर कुछ भी नहीं था। आज एक भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। भगवान भोलेनाथ की पूरे परिवार सहित प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस स्थान पर जो भी श्रद्धालुओं ने अपने मनोकामनाएं बांधी थी, उन सबको आमंत्रित किया गया है। यह यज्ञ 7 दिवसीय है। ग्राम के सरपंच ठाकुर गोविंद सिंह ने कहा है कि सभी ग्राम वासियों के सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप इस यज्ञ में शामिल होकर धर्म लाभ लेवें। विदिशा पठारी से हमारी रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। चमत्कारी माता मंदिर धाम छपारा के पंडा मिस्टर सिंह गुर्जर इस कलश यात्रा में भी शामिल हैं। तो आपका क्या कहना है, जब जिस दौरान हमारा पीपल खड़ा हुआ था और जगह जगह से कोरोना में भी जनता आई थी जी, आई थी, और सबने लगभग अपने धागा बांधे थे जी, बांधे थे, मान्यताएं मांगी थी। यदि सबकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, भगवान माता रानी ने, भगवान भोलेनाथ ने, पीपल देवता ने यदि पूरे कर दिए हैं, कर दें, तो आप उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं जी? कहिए, आप बुलाइए सभी लोग। हमारे यहाँ जो भी पीपल के पेड़ के आए थे, सबकी मनोकामना पूरी हुई, वो सब लोग हमारे यहाँ आमंत्रण है इस यज्ञ में। इस यज्ञ में यज्ञ कितने दिन चलेगा? यज्ञ 7 दिन चलेगा, आज से 7 दिन। सभी ग्रामवासी निमंत्रण है। कलश यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? हमारे ग्राम पंचायत छपारा में चमत्कारी माता मंदिर, आपने सुना होगा कि बहुत पहले पीपल का पेड़ अपने आप खड़ा हुआ था। उस चमत्कारी दिव्य स्थान पर जनता के सहयोग से भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है और भगवान भोलेनाथ की परिवार से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और शब्द दिवसीय महायज्ञ हमारे ग्राम छपारा में हो रहा है। तो आज यह भव्य कलश यात्रा छपारा से प्रारंभ होकर पठारी के मुख्य मार्ग से होती हुई करेली धाम आ पहुँची है और यहाँ से हम सब जल यात्रा कलश भर के सभी लोग बाजार के मुख्य मार्ग से होते हुए आरम खड़ा होते हुए अपने ग्राम छपारा पहुँचेंगे, जहाँ पर आज ही हवन का कार्यक्रम किया जाएगा। हमारे ग्राम पंचायत छपारा के सरपंच आदरणीय गोविंद सिंह जी, आदरणीय सरपंच साहब, बताइए कहाँ से प्रारंभ हुई है कलश यात्रा? कलश यात्रा छपारा धन्यवाद। में जिन लोगों के मनोकामनाएं पूरी हुई थी, जब पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ था, जब लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई थी, तो वह सब भी आने की इच्छुक हैं और हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। जिन जिन ने यहाँ मान्यताएं मांगी थी, वह सब लोग इस यज्ञ में पधारें और चमत्कारी पीपल देवता के दर्शन करें।